जय श्री काल भैरव। आज यहाँ उत्तराखंड से अपने सभी शिष्यों को मैं जो अपनी साधना कराने के लिए आया हुआ हूँ, वहाँ से एक ऐसी प्रेरणा आई मुझे जिसकी वजह से मैं एक यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। मैं अपने कुछ शिष्यों को समय समय पर प्रकृति मध्य लाता रहता हूँ ताकि वो समझ सकें वास्तविक साधना क्या है, तपस्या क्या है, कैसे प्रकृति उनको हील करती है, कैसे प्रकृति के सानिध्य में साधना की जाती है, पानी की कलकल आपको कौन से ध्यान में ले जाती है, क्यों आवश्यक है प्रकृति के मध्य आपको अपनी साधना करना, क्यों साधु संन्यासी बार बार शहर छोड़ कर संसार छोड़ के पर्वतों की तरफ, नदी के तटों की तरफ, जंगलों में क्यों चले जाते थे, ये सब समझाना बहुत ज़रूरी है। और जो ऑनलाइन या वर्चुअल तरीके से संभव नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को कष्ट देते हुए सभी की साधनाओं को कराने के लिए मैं बाहर आता रहता हूँ और लोगों को कराता रहता हूँ अपने शिष्यों को। क्योंकि जो नवीन साधक आता है उसका तो बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, उसके साथ तो मैं कुछ करा ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि अभी पहले वो अपने कचरे को ही लेके इतना ज़्यादा व्यथित होता है कि उसको बहुत समय लगता है मेरे पास बैठ के मेरा सानिध्य लेने में। पास तो बैठ जाएगा कोई भी, लेकिन सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाता है। अब मैं आपसे बात कर रहा था प्रेरणा की। मैं यहाँ से जो प्रेरणा मुझे उठी वो, मैं किसी भी साधक को कुछ भी कराता हूँ, अचानक से कभी भी कुछ भी करा देता हूँ। अभी हम लोग सभी शिष्यों के साथ नहाने का बन रहा था कि नदी तट पे नहाते हैं चल के, तो स्वतः नैसर्गिक रूप से वहाँ पे ध्यान की घटना घटने लगी और सभी साधकों के साथ ध्यान घटा जो बहुत गहरा था। अब इसमें अभी सभी साधक आ रहे हैं नहाने के लिए, तो जो प्रेरणा उठी मेरी कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो नहीं निकल पाते हैं घर से, नहीं आ पाते हैं इतनी दूर, ना आश्रम आ पाते हैं काल भैरव आश्रम में, ना यहाँ आ पाते हैं मेरे साथ। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? तो उनके लिए मैंने एक, जैसे ध्यान का मैं अभी शुरू कराने वाला हूँ जिसमें लोग जुड़ चुके हैं काफ़ी, और उसके कुछ नियम हैं, वो जो नियम फॉलो करेंगे वही होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन कुछ ऐसी तंत्र की साधनाएं जो आप घर पे रह के कर सकें, जो 6 दिन की हो, 10 दिन की हो, 5 दिन की हो, 11 दिन की हो, महीने भर की हो, ऐसी कुछ साधनाएं जो मेरे अपने साधना काल में मैंने करी हैं, जो बहुत गुप्त हैं, उसमें क्या विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्या सामग्री प्रयोग की जाती है, वो सभी का मैं आप लोगों के साथ, आपकी साधना में, आप जैसे कोई वास्तु दोष साधना है कि घर का वास्तु दोष ठीक हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं छोटे छोटे टिप्स तो साधकों को देता ही हूँ, लेकिन उन साधकों को जो दीक्षित नहीं है, जो साधना करना चाहते हैं, जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो समय समय पर उनको कुछ साधना मैं लगातार कराना चाहता हूँ। और मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल, अब सब शिष्य आ रहे हैं नहाने के लिए, जो 4 या 5 साल मैक्सिमम मैं कराना चाहता हूँ। तो इसमें मैं मासिक एक बहुत नॉमिनल जो धनराशि है, जो दक्षिणा राशि कह सकते हैं आप, उसके साथ मैं इसको शुरू करा रहा हूँ। और यही प्रेरणा मुझे यहाँ से प्राप्त हुई कि मासिक अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो 1500 रुपये प्रति मास के हिसाब से अपना पूरा बायोडाटा मुझे भेजेगा, उसने कौन कौन सी साधनाएं करी हैं, कौन से गुरु हैं या गुरु नहीं हैं, और वो ग्रुप नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है सबकी प्राइवेसी भंग होती है। वो सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट रहेगा जिसमें मैं डायरेक्ट उनके टच में रहूँगा, मैं उनको कुछ यूट्यूब में प्राइवेट लिंक के माध्यम से कुछ साधनाएँ बताऊँगा जिसमें लाइव प्रश्न उत्तर भी रहेगा। और वो कुछ जैसे एक दिन की साधना है, जैसे अमावस्या आ रही है, जैसे ग्रहण हो रहा है, जैसे कोई भी पर्व हो रहा है, उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की साधनाएं, चाहे वो तंत्र से संबंधित हो, वैदिक, कौलिक, तामसिक हो, सात्विक हो, अघोर तरीके से हो, कपालिक तरीके से हो, चाहे लामाओं के तरीके से हो, किसी प्रकार से हो,
वो मैं कराऊंगा। इसमें स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, एज बार कुछ नहीं है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9919935555 पर मैसेज कर सकते हैं कि हाँ हम वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। उसमें महीने में चाहे एक साधना चाहे 10 साधना, वो अलग अलग समय के हिसाब से मैं कराता रहूँगा। उसमें आपको लगातार मार्गदर्शन मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करें और अपनी साधनाओं का लाभ अपने घर बैठे बैठे लेते रहें। मैं चाहता नहीं था ये करना, क्योंकि ये चाहता तो मैं बहुत पहले शुरू करा सकता था, लेकिन आज यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है तो इस वजह से मैं इसको आगे कर रहा हूँ। और जल्द से जल्द मैं शुरू कराना चाहता हूँ इसको, तो जैसे 10-20-50 लोग हो जाएंगे हम लोग उसको शुरू कर देंगे और उसकी एक डेट निश्चित हो जाएगी। इस डेट से हम लोग शिविर शुरू करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और शिविर क्या होगा कि वो आपके घर पे ही होगा, जैसे हम आश्रम में शिविर लगाते हैं बाहर लगाते हैं, वो हम सबके घर ही पे लगाएंगे एक तरीके से, वर्चुअल तरीके से, ठीक है। और मुख्य रूप से बाबा भैरव की साधना रहती हैं और उन्हीं से ही संबंधित तंत्र काट से संबंधित साधना है। किसी घर में वो पीड़ा है तो वो घर में बैठ के किसी झाड़फूँक कराने वाले के आगे पीछे घूमने से अच्छा स्वयं घर में बैठ के करे। किसी की बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी के व्यापार बांध दिया गया है, ऐसी बहुत सारी साधना है, ठीक है। घर में कुछ प्रॉब्लम है, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी छोटी छोटी साधना है, 3 दिन की 7 दिन की हम लोग शुरू कर रहे हैं श्री काल भैरव आश्रम से। और जो भी इसमें इच्छुक हो मुझे बता सकता है। और ज़्यादा आप सबका समय व्यर्थ ना करते हुए आपको मैं इस समय यहाँ पे क्या हो रहा है दर्शन कराता हूँ। कितना प्यारा सुंदर दृश्य है, अभी हम लोग यहाँ से इनको मैं अपने दूसरे स्थान साधकों को ले जाऊँगा। 2 दिन का यहाँ पे ध्यान शिविर यहाँ करा गया है जो मेरा साधना स्थल रहा है। एक साधना स्थल और है जो गुप्त है, वहाँ पर हम लोग चलेंगे आज शाम या रात्रि तक पहुँचेंगे। ये जो पानी की कलकल है ना, ये इसकी एक अलग वाइब्रेशन है। नेचर की हर चिड़िया की हर पशु पक्षी की एक अलग वाइब्रेशन है और वो आपके भीतर के जो सूक्ष्म तंतु हैं उनको वाइब्रेट करती है, जिससे कुछ द्रव्य रिलीज होते हैं जो आपके भीतर आपको पुनः प्राकृतिक रूप से जीवन जीने में सहायक होते हैं। ये देखिए, ये हमारे शिष्यगण लोग स्नान की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इसी आशा से कि आप लोग साधना के महत्व को समझेंगे और सारा जीवन उसमें झोंकेंगे अपने सांसारिक कर्म को करते हुए, आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री काल भैरव।